आज मैं आपके लिए कोलकाता स्टाइल चिकन काठी रोल की रेसिपी लाई हूँ, जिसे हम बनाएंगे एकदम आसान तरीके से, वो भी बिना किसी तामझाम के। और इसे आप घर पे कभी भी बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं, और टेस्ट इतना है कि एकदम 100% गारंटी के साथ। तो फिर चलिए इस रेसिपी को देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मधुस्मिता आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में, जिसका नाम है मेरी लाइफ मेरी वर्ल्ड। इस तरह की रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। पहले हम चिकन कबाब के लिए यहाँ पर बोनलेस चिकन ले लेंगे, जो कि छोटे छोटे पीस में ही से मैरिनेट करेंगे। यहाँ पर डाल दिया है नमक, थोड़ी सी हल्दी डाली है और कश्मीरी रेड चिली 1 चम्मच डाला है। यहाँ पर डालेंगे जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, चाट मसाला 1 चम्मच, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, साथ में जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 चम्मच, बड़ा चम्मच डालेंगे यहाँ पर दही, और साथ ही विनेगर और बेसन 1 बड़ा चम्मच, साथ ही जाएगा मस्टर्ड ऑयल 1 बड़ा चम्मच, और इसे अच्छे से हमें मिला लेना है। और इस चिकन को हमें मैरिनेट करने रखना है 1 घंटे के लिए, ताकि चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए। अभी चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं क्या करना है। यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया है आटा। यहाँ पर मैं आटा और मैदा दोनों को एक साथ लेकर बनाऊंगी। इसका जो पराठा बनाएंगे तो आटा और मैदे से बनाएंगे। आप चाहें तो मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन आटे से बनाएंगे तो सॉफ्ट रहेगा और अच्छा लगेगा खाने में। तो यहाँ पर तेल डाल दिया है, नमक डाल दिया है, इसे थोड़ा हल्का मिला लिया है। इसके बाद हम इसे पानी डालकर अच्छे से एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे। आटा और मैदा मिला के करेंगे तो आपको बेलने में भी आसानी होगी और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेगी और थोड़ी सी हेल्दी हो जाएगी। यहाँ पर आटा रेडी है, इसके ऊपर से थोड़ा सा तेल डाल के इसे ढककर रख देंगे साइड में। चलिए अभी बनाते हैं अपना सलाद। इसके लिए एक सलाद बनाएंगे, जिसमें मैंने यहाँ पर लंबा लंबा प्याज काट के लिया है, गाजर लिया है, धनिया पुदीना काट के लिया है, और थोड़ी सी काली मिर्ची और लेमन लिया है। इसे मिला कर रख देंगे, और नमक हम डालेंगे बाद में, क्योंकि नहीं तो इसका क्रंचीपन चला जाएगा और पानी छोड़ देगा। इसे साइड में रख लेके यहाँ पर देखिए चिकन मैरिनेट हो चुका है, इसका कबाब बनाएंगे। कबाब यहाँ पर मैं आपको आसानी से तवे पर बनाना सिखाऊंगी। काठी कबाब जनरली वो बनती है तंदूर पर, काठी लगाकर, पर हमारे घर में तो तंदूर होता नहीं, इसीलिए हम पैन पे बनाएंगे, जिससे आप आराम से घर पे बना सकते हैं और टेस्ट वैसा ही आएगा। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है चिकन सारे, तो इसे हम पलट लेंगे। थोड़ा सा मैंने डाल दिया था यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल डालेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर चिकन थोड़ा सा जब पकना शुरू हो जाएगा, इसके ऊपर से हम 1 क्यूब बटर का डाल देंगे। इससे क्या होगा ना, चिकन में बहुत ही अच्छी टेस्ट आ जाएगी, साथ ही चिकन ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी रहेगी। तो यहाँ पर थोड़ी देर इसको ऐसे फ्राई करने के बाद देखिए चिकन कबाब यहाँ पर रेडी है, पूरा एकदम पक चुका है। इसे अभी निकाल लेंगे, बाकी के ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर देखिए कबाब रेडी है, इसे थोड़ा हम टॉस करेंगे। वही पैन में हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच बटर, साथ में डाल देंगे थोड़ा सा लंबा कटा प्याज और कैप्सिकम। इसे हमें हल्का टॉस कर लेना है नमक के साथ, थोड़ा सा ही नमक डालना है क्योंकि हमने चिकन में भी नमक डाला था। तो इसे हम फ्राई कर लेंगे हल्का सा। और यहाँ पर देखिए मैंने कोयला रख लिया है जलाकर, ताकि इसमें तंदूरी फ्लेवर दे सकूँ। तो यहाँ पर देखिए ये फ्राई हो गया, इसमें हम चिकन के कबाब डाल देंगे और टॉस कर लेंगे। इसे अच्छे से हमें मिला लेना है और थोड़ी देर के लिए टॉस कर लेना है। इसके बीच में कैविटी बनाएंगे और जला हुआ कोयला इसके अंदर रखेंगे। इसके ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल के 5 मिनट के लिए ढककर रखेंगे, ताकि इसका स्मोक इसमें आ जाए। यहाँ पर देखिए 5 मिनट बाद स्मोक एकदम सेट हो चुका है और चिकन एकदम स्मोकी फ्लेवर हो चुका है। यहाँ पर अपना आटा भी रेडी है, इसे थोड़ा सा मसल लेंगे, सॉफ्ट सा आटा ही लगाना है। और इसे अभी हम पेड़े बनाएंगे और पराठा बेल लेंगे। मैं आपको यहाँ पर सिंपल पराठे से बनाना सिखाऊंगी काठी रोल, क्योंकि ऐसे आपको आसानी होगी, नहीं तो आप लच्छा पराठा भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर लेकर हम बनाएंगे जैसे जनरली हम पराठे के लिए आटा बेलते हैं, वैसे ही हमें आटा लगाकर बेल लेना है। यहाँ पर मैंने 1/2 आटा 1/2 मैदा लिया है, इसीलिए बेलने में कोई परेशानी नहीं होगी और थोड़ी सी हेल्दी भी हो जाएगी। तो यहाँ पर तवे पे डाल दिया है और यहाँ पर तेल डाल के नॉर्मली जैसे पराठा सेकते हैं वैसे ही हम सेक लेंगे। आसान सी रेसिपी है दोस्तों, इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मैंने यहाँ पर एकदम से मैंने कोशिश की है आपका आसान सी रेसिपी देने की। तो यहाँ पर देखिए दूसरा पराठा भी मैंने ऐसे बेल लिया है, उसे भी ऐसे सेक लेंगे। तो ऐसे ही हम सारे पराठे सेक लेंगे, उसके बाद हम असेंबल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पराठे रेडी है, और यहाँ पर सलाद में मैंने नमक भी डाल दिया है और कबाब भी रेडी है। अभी एक पराठा लेंगे, इसके ऊपर से मैं मेयोनीज डाल रही हूँ, साथ में टमाटो केचप डाल रही हूँ एक स्प्रेड के हिसाब से। यहाँ पर आप चाहें तो ग्रीन चटनी भी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे बनाएंगे तो आप टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, आप भूल नहीं पाएंगे इसका टेस्ट को। तो यहाँ पर मैंने इसे स्प्रेड कर लिया है, इसमें डाल देंगे सलाद, साथ ही डाल देंगे कबाब,
जो हमने बना के रखा था। ये कबाब इतनी टेस्टी लगती है कि आप ऐसे ही खा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने कबाब डाल दिया, इसे भर के ही आपको डालना है, स्टफिंग थोड़ा ज़्यादा ही डालना है, और इसे फोल्ड कर लेंगे रोल की तरह। जो भी रोल की शौकीन है वो ज़रूर से इस रेसिपी को बहुत ही पसंद करेंगे। यहाँ पर हम बटर पेपर लेंगे और इसे रैप कर लेंगे, जैसे हम दुकान में खाते हैं ना वैसे ही। तो यहाँ पर देखिए हमारी कोलकाता स्टाइल रोल एकदम रेडी है, काठी रोल। तो यहाँ पर इसे हम फोल्ड कर लेंगे और ऐसे ही हमें सारे रोल्स तैयार कर लेने हैं। देखिए ना कितनी आसान रेसिपी है और कितने आसानी से बन गया। ऐसे ही आप रेसिपी ज़रूर से फॉलो कीजिए, और अच्छा लगे तो एक कमेंट, एक लाइक ज़रूर से दे दीजिएगा। यहाँ पर सारे रोल रेडी हैं, चलिए गर्मा गर्म इसे सर्व करते हैं।